हेलो, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 4। चलें जी, स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम रिव्यू लेंगे अपने पिछले लेक्चर का। इन द यस्टरडे लेक्चर वी डिस्कस्ड सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर हमने क्या स्टडी किया था? हमने पढ़ा था कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस एट अ पॉइंट। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है कि एक पॉइंट चार्ज से कुछ डिस्टेंस के ऊपर, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के कुछ डिस्टेंस के ऊपर कितनी फोर्स कोई भी दूसरा टेस्ट चार्ज जो है वो फील करता है, उसे हम क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। मैथमेटिकली फार्मूला हमारे पास क्या था? ई इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट। ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एफ फोर्स एक्सपीरियंसड बाई अ टेस्ट चार्ज, एंड क्यू नॉट मैग्नीट्यूड है उस टेस्ट चार्ज का जिसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है। दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास क्या है? बेसिकली द पाथ फॉलोड बाई अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मतलब एक हमारे पास पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, उसके ऊपर कोई भी दूसरा चार्ज जो फोर्स लगाएगा और इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा, उस डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट किससे कर देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, हमने स्टडी किया था और हमें पता चला था कि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती हैं दे आर आउटवर्ड। नेक्स्ट भी हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज, और हमें इस बात का पता चला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज की वजह से जो होती है वो इनवर्ड डायरेक्शन के अंदर होंगी। नेक्स्ट भी हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर लाइक चार्जेस, और हमें पता है कि लाइक चार्जेस की से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनी थी वो क्या करती है? एक दूसरे को रिपेल करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अनलाइक चार्जेस, ये हमने देखा था। उसके बाद अनलाइक चार्जेस में मींस वन इज़ अ पॉजिटिव एंड अदर वन इज़ अ नेगेटिव, और इसमें हमने क्या देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स ऑन अ नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट, लास्ट पे हमने देखा था इसे। दो हमारे पास पैरेलल प्लेट्स हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज है तमाम साइड्स पे और एक पे क्या नेगेटिव चार्ज है दूसरी प्लेट पे Q2 का, तो हमारे पास क्या आएगा? 3 मीटर प्लस x, और Q1 से अगर जीरो फील्ड का पॉइंट लेंगे तो वो सिंपल x बनता है हमारे पास आगे। चलो लेट सी बी द पॉइंट एट विच द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जीरो। C हमने एक आगे पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट C इसको हम कह रहे हैं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट C ड्यू टू Q1। अब Q1 से आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पहले की मालूम कर लेंगे और हम इमेजिन करेंगे कि ये क्या है, जीरो। फिर Q2 से मालूम करेंगे, उसको भी इमेजिन करेंगे जीरो, तो दोनों ही जीरो हैं, तो इसमें जेड के बोथ है सेम वैल्यू, तो इन दोनों को क्या करेंगे? कंपैरिजन कर देंगे सिंपली, क्योंकि E1 भी जीरो है, E2 भी जीरो है। जब दोनों जीरो हैं तो दोनों की सेम वैल्यू, दोनों की सेम वैल्यू तो दोनों को इक्वल कर सकते हैं। नाउ E1, ये हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करें ड्यू टू Q1, और ये हमारे पास क्या आएगी? KQ1 ओवर एक्स का स्केयर। सिंपल, ये डिस्टेंस लिया जीरो फील्ड लोकेशन से, एक्स का स्केयर डिस्टेंस का वैल्यू ले रहे हैं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट सी ड्यू टू Q2 से ले रहे हैं, तो वो हमें पता है कि Q2 लेंगे और x प्लस 3 स्केयर लेंगे। हम यहाँ पे 3 मीटर ये और x आगे का डिस्टेंस है, के का आर का स्केयर होता है, वो हमने यहाँ पे लिया। गिवन कंडीशन क्या है? दोनों जीरो हो जाती है तो बहुत हर इक्वल E1 इज इक्वल टू E2। आप इन दोनों को इक्वलाइज कर सकते हैं यहाँ पे, या आप कह सकते हैं कि अगर इनका सबका सम करेंगे तो सबका सम जो है वो क्या आएगा? जीरो आ जाता है। नाउ E1 इज इक्वल टू -E2 इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, दिस वन इज ऑल्सो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, दोनों सेम है, एक नेगेटिव लगा हुआ। नेगेटिव क्यों लगाया? नेगेटिव इस वजह से लगाया क्योंकि एक चार्ज भी नेगेटिव है, उसके लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू भी हम क्या रखेंगे? वेक्टर फॉर्म में नेगेटिव ही लेंगे। वी विल पुट द वैल्यू ऑफ बोथ ऑफ दीज टू, KQ1 ओवर एक्स स्केयर माइनस KQ2 ओवर एक्स प्लस 3 स्केयर, ये हमारे पास क्या आगे इसकी फाइनल वैल्यू आ जाएंगे हमारे पास, एक्स प्लस 3 का स्केयर। अब सिंपल, के इधर भी है, के इधर भी है, तो दोनों को क्या करें आप? कैंसिल आउट कर सकते हैं जी, हम इजीली पुट करेंगे जी वैल्यू। हमारे पास क्या है जी, ये Q1 की वैल्यू पुट की हमने,
माइनस 1.0 का रेस्टेंस पावर माइनस का 6 है, और x का स्केयर वैल्यू पुट की, Q2 की वैल्यू पुट की, माइनस 4.0 का रेस्टेंस पावर माइनस 6 है, और x प्लस 3 का स्केयर लिया हमने। हमें पता इस बात का कि यहाँ पे भी k है, यहाँ पे भी k है, इन दो एक k को दूसरे k के साथ कैंसिल आउट किया, सो इसकी वैल्यू को राइट डाउन करने की हमें ज़रूरत नहीं है। पोजिशन क्या है, हम इस पूरे क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, हम इसमें x फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ये x, ये डिस्टेंस जो है ना, डिस्टेंस फ्रॉम द Q1, ये हमने फाइंड आउट करना है, जहाँ पे दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाती है। चलें जी इसको स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास क्या आ गया, 1/x² इज इक्वल टू 4/x+3² वैल्यू आई हमारे पास एक, या इसी को हम लिख सकते हैं 1/x (2/x+3) रीज़न, अंडर रूट ले लेंगे भाई दोनों तरफ, इधर भी अंडर रूट लिया, इधर भी अंडर रूट लिया, तो 1 का अंडर रूट 1, एक्स का स्केयर ख़त्म हो गया, एक्स आ गया, 4 का अंडर रूट लेंगे 2 आएगा, एक्स प्लस 3 का स्केयर ख़त्म हो जाएगा। सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस 3, इसको 2 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपली हमारे पास हो गया, एक्स को दूसरी साइड पर ले जाएंगे, 2 - x क्या आएगा, एक्स यहाँ पे क्या बच गया, 3, एक्स इज इक्वल टू 3, सिंपल आ जाएगा हमारे पास, एक्स इज इक्वल टू 3 मीटर फ्रॉम द चार्ज Q1, Q1 से जो है ये हमारे पास क्या है जी, कोई 3 मीटर जो है वो हमारे पास बन जाता है। ट्राई कीजिएगा इसको। अब हमारे पास नुमेरिकल कौन कौन से हो गए, 12.3, 12.4 एंड 12.5, तीन नुमेरिकल हो गए, इनको ट्राई कीजिएगा। सो पहले एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख रहे हैं, चार्ज है जी हमारे पास है Q1 100 माइक्रो कॉलम, चार्ज Q2 हमारे पास कितना है 50 माइक्रो कॉलम, एक्स वाई प्लेन के अंदर पड़े हुए, और पोजीशन वेक्टर पहले चार्ज के लिए क्या बन रहा है 3j, दूसरे के लिए क्या बन रहा है 4i, एक चार्ज यहाँ पे 3j मींस वाई एक्सेस के ऊपर है, ये 4x एक्सेस के ऊपर है जनाब। अब इनका डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा अगेन रिस्पेक्टिवली, वेयर द डिस्टेंस आर मेजर्ड इन द मीटर है, कैलकुलेट द फोर्स ऑन Q2, क्यू के ऊपर लग रही है जी, Q2 के ऊपर, किसकी वजह से, Q1 की वजह से लग रही है। तो हमारे पास गिवन डाटा में क्या आ गया, Q1 100 माइक्रो कॉलम, Q2 कितना आ गया 50 माइक्रो कॉलम है, और फाइंड आउट हमने क्या करना है F221 फोर्स ऑन द Q2 ड्यू टू Q1, ये हमने क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। हमें पता है जनाब इसका फार्मूला क्या बनेगा, 1/4πε₀ Q1 Q2 ओवर R² पोजिशन वैक्टर लेंगे हम, R221 पोजिशन वैक्टर ये हमारे पास आ गया। अब इसकी अगर हम डायग्राम बनाएं तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगी, देखें दिस वन इज़ ओरिजिन, हमें पता है ये 3j है, 3j तो j कौन सा होता है, वाई, ये वाई की लाइन है, एक्चुअली ये 3j पड़ा हुआ है यहाँ पे, 3 ऊपर गए हम j की डायरेक्शन में, तो ये पहला वेक्टर आ जाएगा हमारे पास चार्ज Q1। अगला नेक्स्ट पे कौन सा है, 4i है, i कौन सा होता है, x एक्सिस की डायरेक्शन, मतलब ओरिजिन से 4 पॉइंट आगे चलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, i का पॉइंट निकल आएगा हमारे पास, वेयर थीटा इज़ द एंगल बिटवीन दैम। Now we have 2 points, one is the Q1 and another one is the Q2. अब ओरिजिन से डिस्टेंस है 4 और ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है 3. We are interested in find out the distance between Q1 and Q2. ये दरमियान का एक है, Q1 से Q2 का डिस्टेंस है, ये R221 ये पोजिशन वैक्टर है जो Q1 से स्टार्ट हो रहा है Q2, हम तो ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं भाई, ये फाइंड आउट करना है हमने। गिवन हमारे पास क्या है, एक ये साइड भी गिवन है और एक ये साइड भी हमारे पास क्या है गिवन है, ये जो सेंट्रल पोजीशन है ये हमने क्या करनी है यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। हमें इस बात की समझ आए क्या जनाब, अगर ये हमारे पास R1 है ऊपर की तरफ, तो ये हेड ऊपर है, ये हेड है इसका R1 का, ये हमारे पास सेकेंड वैक्टर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है Q1 से, एंड ऑन द Q2 यहाँ पर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, इट मीन्स दैट अगर हम दोनों को सोचें तो एक वैक्टर का हेड है, दूसरे की क्या है टेल है, हेड टू टेल जॉइन है। अच्छा ये नीचे क्या है, ये इनका रिजल्टेंट बन जाता है भाई, रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, टेल जॉइन द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड हेड जॉइन द हेड ऑफ अ लास्ट वेक्टर, ये क्या आ गया रिजल्टेंट। तो अब इसी को हमने सोच के इसकी क्या बनानी, इक्वेशन बनानी है, यहाँ से हमने थोड़ा सा देखते हैं इसको हम। पोजिशन वैक्टर हमने फाइंड आउट करना है ऑफ Q2 रिलेटिव टू Q1, ये हमने क्या किया, एक्स की लाइन ड्रॉ कर दी है, बेसिकली एक्स का है और ये बेसिकली क्या है वाई का जो है वो पोजीशन बनती है जी। चलें अब हमारे पास पोजीशन वेक्टर क्या आ गया, R2 - R1 और ये क्या आ गया 4i - 3j। नेक्स्ट पे चलते हैं, मैग्नीट्यूड इसका फाइंड आउट कर लेंगे हम, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस यूनिट वेक्टर,
इसका भी स्केयर लेंगे, इसका भी क्या ले लेंगे स्केयर, और ये क्या आ जाएगा 5 मीटर आ जाएगा हमारे पास इसकी वैल्यू। यूनिट वेक्टर फाइंड आउट किया अगेन, ये मैग्नीट्यूड था हमारे पास इसका, अब क्या फाइंड आउट किया इसका यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम कहते हैं जी गिवन वेक्टर, अभी लास्ट न्यूमेरिकल में हम यही बात देख रहे थे, जैसे हमारे पास आता है वेक्टर ए इज इक्वल टू ई मैग्नीट्यूड एंड ए हैट, ए हैट डायरेक्शन के लिए था हमारे पास। तो किसी भी वेक्टर के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन फाइंड आउट करने को तो मैग्नीट्यूड दूसरी साइड पे जाके क्या करेगा, डिवाइड होगा। तो यही काम यहाँ पे है जनाब, कि ऊपर हमारे पास क्या दिया गया है, यहाँ पे कोई वेक्टर दिया गया है एक, और ये वेक्टर कौन सा है 4i-3j, नीचे क्या है जो उसके मैग्नीट्यूड से हमने उसको डिवाइड किया, तो ये यूनिट वेक्टर का फार्मूला हमारे पास आ गया। F221 वैल्यू पुट करेंगे 1/4π ε₀ Q1 Q2 फार्मूला हमारे पास है, वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आएगा जी, वन वन ये है जी Q1 की वैल्यू, Q2 की वैल्यू हमारे पास है जी, और नेक्स्ट पे है जी 9×10⁻⁹ K 1/4π ε₀, इस पूरे को सॉल्व किया, K की वैल्यू है ये, हमने यहाँ पुट कर दी, Q1 भी है हमारे पास, Q2 भी है, आर स्केयर ये आर का स्केयर है, आगे है यूनिट वेक्टर। अब ये यूनिट वेक्टर है तो ये यूनिट वेक्टर की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, इसको यहाँ पे क्या किया आखिर में जाके पुट किया हुआ है हमने। नेक्स्ट चलते हैं जी, सॉल्व करेंगे इस पूरी को, तो हमारे पास क्या आ गया, इसकी जो फाइनल वेक्टर आ गया, इस पूरे को सॉल्व किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया सारा, तो हमारे पास जो आया आंसर वो क्या आ गया, 1.44i-1.08j आ गया। अब ये आई और जे की फॉर्म में है, इसका क्या फाइंड आउट करेंगे, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें फोर्स का, ये तो वेक्टर फॉर्म है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें, फर्स्ट ए स्केयर बी स्केयर 1.8 न्यूटन, इसका क्या आ गया मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट वन वी नीड टू फाइंड द डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए क्या फार्मूला होगा, टेंजेंट इनवर्स वाई ऊपर लेंगे वाई कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट क्या लेंगे नीचे, डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया -37 विद द एक्स एक्सेस जो है वो इसका आंसर आ जाता है। सो इसको ट्राई कीजिएगा अपने हाथ से, होप सो आपसे सॉल्व हो जाएगा, ये अगर नहीं होगा तो इसको इंशाल्लाह फिर हम बाद में कभी इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट पे चलते हैं जी, हमारे पास एक और एग्जांपल है, एग्जांपल 12.2 इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी से रिलेटेड है जी, हमारे पास जीरो फील्ड पोजीशन है, टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, अब वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड, टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज रिपेल ईच अदर, इफ़ वी हैव टू नेगेटिव चार्ज दे शुड ऑल्सो रिपेल ईच अदर। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में थोड़ा सा जाएँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को अगर हम गौर करेंगे तो जो सेम चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड थी हमारे पास वो किस तरह से बनती थी, हमारे पास सेम चार्जेस की बन रही हैं कि जनाब जो दोनों का सेंट्रल पॉइंट है वहाँ पे जीरो फील्ड पोजीशन बनाई थी हमने, और क्या हो रहा था, दे सीम्स टू रिपेल ईच अदर, और जीरो फील्ड स्पॉट जो था वो सेंटर में कहीं बन रहा था, अगर दो सिमिलर हैं तो। इस फॉर्मेशन के अंदर हम क्या देखेंगे, हम कह देंगे क्यू वन है, सेकेंड वन इज़ अ क्यू टू, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस क्यू वन एंड क्यू टू 3 मीटर है, जीरो फील्ड पॉइंट अब कहीं दरमियान में है क्योंकि दोनों सेम चार्जेस हैं, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो फिर हम एक साइड पे जाएंगे, दोनों सिमिलर चार्ज होंगे तो फिर कहीं सेंटर पे आएंगे, किसी एक पॉइंट पर रैंडम ले लेते हैं हम यहाँ पे पॉइंट पे, वी सपोज दैट दिस वन इज अ जीरो फील्ड पोजिशन। अब हमने क्या करना है जनाब, इस डी डिस्टेंस है हमारे पास, ये कहाँ से है जी, क्यू टू से डी डिस्टेंस लिया हुआ हमने, ये हमने क्या करना है यहाँ पे फाइंड आउट करना है इस डिस्टेंस को, डी को फाइंड आउट करना है, फार्मूलेशन सेम होगी जी हमारे पास, इसी को देखते हुए हमने इस इक्वेशन को क्या करना है इंप्लीमेंट करना है। गिवन हमारे पास क्या है जी, चार्ज क्यू वन दिया गया है जी, चार्ज हमारे पास क्यू टू, सेकेंड चार्ज अवेलेबल है, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस आर या डी कह दें आप उसे 3 मीटर या दिया गया जी हमारे पास है, ये डायग्राम है दोबारा देख रहे हैं जी, क्यू वन है क्यू टू है ये डी डिस्टेंस है, ये को पॉइंट पी है, अब इस पर पहले चार्ज की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करेंगे फिर दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करेंगे, दोनों जीरो हैं लिहाजा दोनों को कंपेयर कर लेंगे, बट रिमेंबर दैट बोथ आर पॉजिटिव, स्पॉट ऑन द लाइन वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जीरो, ये हमने स्पॉट फाइंड आउट करना है, स्पॉट कहाँ पे, कोई पॉइंट पी पे ले लिया, डिस्टेंस डी जो है हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है, चार्जेस आर सिमिलर सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो एट अ पॉइंट वेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ ई वन इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ई टू, मीन्स दोनों सेम है और दोनों ही जीरो हो जाते हैं वहाँ पे, सो बोथ आर सेम।
अगर हम याद करेंगे, हमारे पास तरह का एक न्यूमेरिकल भी था, उसमें हमने एक के साथ नेगेटिव लगाया था। और नेगेटिव क्यों साइन यूज़ किया था? क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज था और एक नेगेटिव था, यहाँ पे दोनों चार्जेस क्या हैं, बिल्कुल सेम है। चलें जी, वही काम करना है कि वेयर ई वन इज़ द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट पी है ड्यू टू चार्ज क्यू वन। एक चार्ज की वजह से मालूम करेंगे ई टू किसके ऊपर है जी, क्यू टू की है जी। ई वन का फार्मूला हमारे पास क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन। ई वन ये है बच्चे, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। टोटल कितना है, 3 मीटर। 3 में से डी माइनस कर देंगे तो ये पॉइंट पी से लेके क्यू वन तक डिस्टेंस निकलेगा, पॉइंट पी से क्यू वन तक का डिस्टेंस। टोटल 3 माइनस डी किया जी हमने, इसे स्केयर लेंगे। नेक्स्ट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज क्यू टू इज़ ई टू, क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू टू ओवर डी स्केयर। नाउ व्हाट इज़ दिस, ये जनाब चार्ज है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इसके मालूम करें पॉइंट पी पे, तो डिस्टेंस तो सिंपल डी है, इसी का क्या ले लेंगे, स्केयर लेंगे। तो वही आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू टू ओवर डी स्केयर। नेक्स्ट पे चलते हैं, ई वन इज इक्वल टू ई टू, बोथ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज आर इक्वल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन डिवाइड बाई 3 माइनस डी स्केयर। दोनों की वैल्यू को पुट किया, हमें इस चीज़ का आइडिया है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोथ आर सेम, दोनों को क्रॉस कर दें। आप बचा क्या, Q1/3 माइनस डी स्केयर, और इधर आपके पास क्या बच जाएगा, Q2/d स्केयर। सिंपल ये इक्वेशन एक बच जाएगा हमारे पास, किस तरह से आ गया जनाब, हमारे पास है जी Q1/3 माइनस डी स्केयर, ये बच गया, इधर क्या आ गया Q2/d स्केयर, Q2/d का स्केयर आ जाएगा हमारे पास। इसको क्या करेंगे जी, सॉल्व करेंगे, इनके दरम्यान में क्या जी इक्वल साइन है, इक्वल साइन है यहाँ पे। सॉल्व किया, क्या करेंगे जनाब, दोनों को हमने क्यू वन की वैल्यू पुट की 3 माइनस डी स्केयर, क्यू टू की वैल्यू पुट की डी स्केयर, डी को फाइंड आउट करना, बाकी तमाम चीज़ें यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ओपन करते हैं और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन दोनों इक्वेशंस को। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जनाब, ये आएगा 4/3 माइनस डी स्केयर इज इक्वल टू 1/d स्केयर। तमाम वैल्यूज़ को हमने क्या किया, क्रॉस किया, यहाँ पर क्रॉस देखेंगे इसको, इसको 4d स्केयर, और ये क्या आ गया 3 माइनस डी का स्केयर। इसको ओपन कर लें स्केयर के साथ, और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो थी वो हमारे पास आ गया, 3 कॉमन ले लिया हमने इनमें से, सो वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ वी हैव 2 ऑप्शंस, एक तो हम पेयरिंग स्कीम जो है मैथमेटिक्स की वो अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला वो अप्लाई कर सकते हैं, जो भी अच्छा लगे उसको। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक पेयरिंग किया हमने, डी स्केयर ये जो +2d है, इज डी स्केयर मल्टीप्लाई बाई 3, तो क्या आ गया -3d स्केयर, और इसको दो पेयर बना दिए इसके हमने, किस तरह से -d स्केयर और +3d, -d एंड +3d, -3 इज इक्वल टू 0। डी स्केयर मौजूद है, -d + 3d करेंगे तो ये प्लस का 2d आ जाएगा हमारे पास, सिंपल। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आना चाहिए, और प्लस या माइनस करेंगे तो फिर 2d आना चाहिए, वो हमारे पास आ गया। इधर से d कॉमन ले लें, d-1 आएगा, इधर से 3 कॉमन लेंगे, d-1 आएगा, तो क्या आ गया d+3 और d-1। नाउ d+3 एंड d-1 इज इक्वल टू 0, दोनों को अलहदा कर लें, d+3 इज इक्वल टू 0 एंड d-1 इज इक्वल टू 0, हमारे पास क्या आ गया d इज इक्वल टू -3 मीटर, d इज इक्वल टू +1 मीटर आ गया हमारे पास। दो पॉसिबल वैल्यू आ गई d की, नेगेटिव वैल्यू क्रॉसपॉन्ड टू द लोकेशन टू द राइट ऑफ बोथ वेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ ई वन आर इक्वल बट द डायरेक्शन ऑफ द सेम, इन दिस केस ई वन एंड ई टू डू नॉट कैंसल द स्पॉट, द पॉजिटिव वैल्यू क्रॉसपॉन्ड टू द लोकेशन शोन इन द फिगर। हमें ही पता है जनाब के पॉजिटिव वैल्यू को हम कंसिडर करते हैं यूजली आंसर में, तो डी इज इक्वल टू 1 मीटर का जो हमारे पास आंसर है, इसको हम क्या करते हैं, करेक्ट कंसिडर करते हैं। -3 मीटर डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होता, यहाँ पर हम सिर्फ ये लॉजिक देंगे, अदरवाइज हमारे पास और भी रीजंस हैं इसके, लेकिन मैं से सॉलिड इसी को रखेंगे। तो आज के लिए सिंपल इतना ही है हमारे